हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ना प्लान बन रहा है थोड़ा बाहर जाने का। और लास्ट टाइम ना मैंने एक मंदिर के व्लॉग में आपको ना कुतुब मीनार दिखाया था बाहर की तरफ से, तो मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे यार कि कुतुब मीनार अंदर से भी दिखा देती, बाहर बाहर से दिखाया। तो उस दिन हम गए ही नहीं थे कुतुब मीनार, इसलिए बाहर से दिखा दिया था मैंने कि कैसा लगता है रात के टाइम। तो आज घूमने का मन कर रहा है ना, तो शाम का टाइम हो रहा है अभी, यहीं पास में कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार जा रहे हैं। थोड़ा एक आधा घंटे देखते हैं, घूम के आ जाएंगे अगर भीड़ भाड़ कम होगी तो, और आपको भी घुमा दूंगी अंदर से। अभी मैं यहाँ बाहर बालकनी में आई थी, थोड़े कपड़े सुबह धोए थे ना, वो उठाने आई थी, वो उठाकर फोल्ड करके रख दिया है। अब निकल जाती हूँ, आके बनाऊंगी डिनर और नन्नू को भी रेडी करके रख दिया है और दीप भी रेडी है। ये इसको तो नींद भी आने लग गई भाई अभी से। ये नन्नू रेडी है, इसका हेयरबैंड क्यों उतार दिया अभी? अभी पहना दूंगा, वो थोड़ा हार्ड हो रहा था ना। नहीं वैसे वो बहुत सॉफ्ट है, उसमें दिक्कत नहीं आती, इसको नींद आ रही है इसलिए रो रही है ना। ये तो सो गई घर पे, चलो कोई नहीं, वहां जाके शायद थोड़ा उठ जाएगी तो एंजॉय करेगी। तो आज आपको ना कुतुब मीनार घुमाती हूँ अंदर से भी, तो कुतुब मीनार में मिलते हैं। बेस्ट टाइम है यहाँ कुतुब मीनार आकर घूमने का, है ना? क्या सुंदर लग रहा है ना पीछे से देखो। ये मतलब मुझे लग रहा था नन्नू तो सो ही रहेगी पूरे रास्ते, बट काफी अभी उठी हुई है और देख रही है इधर उधर, अच्छा लग रहा है। इतना प्यारा लग रहा है ना ये, ऐसे ना ये फोटो शूट वगैरह करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ। यहाँ पे हम भी लेंगे अभी कुछ फोटोज अपने, इस लाइटिंग में तो फोटो भी काफी अच्छी आ रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ का एटमोसफेयर ना, काफी लाइटिंग वाइटिंग काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे आके मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मतलब ये तो हमारे इतने पास है ना कि हम आज जा सकते हैं। वैसे हम रात में पहली बार आए हैं, हम दिन में काफी बार आ चुके हैं। तो वैसे तो फुल अंधेरा हो ही चुका है, तो अब हम घर के लिए निकलेंगे। पता नहीं वॉइस वगैरह यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं ज्यादा वॉइस वाला शूट नहीं कर रही हूँ। पर ये देख रहे हो आप, हमारे सामने ही कुतुब मीनार है और ये पूरा रात के वक्त चमकता रहता है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको ना कुतुब मीनार दिखा दिया है, इतने पास से 10 कदम की दूरी से मैंने आपको कुतुब मीनार दिखा दिया है। तो ये टाइम बेस्ट है कुतुब मीनार घूमने के लिए, अगर आसपास में रहते हो तो इस टाइम जरूर आना, दूर वाले तो खैर नहीं आ सकते इस टाइम, पर ये टाइम बहुत अच्छा है कुतुब मीनार घूमने के लिए।
और वैसे ना अभी आगे पार्क वगैरह भी काफी है यहाँ पे ना, मतलब खुली जगह भी बहुत है, पार्क वार्क ग्रीनरी भी बहुत है, पर इस टाइम ना हम पार्क वार्क में नहीं जा रहे हैं और अलाउ भी नहीं है रात के टाइम पे थोड़ा पार्क वगैरह के साथ ना। और पर ये अभी थोड़ा मच्छर वच्छर भी ज्यादा लग रहे हैं और हमें तो कोई नहीं, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा ना, इसलिए हम ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, अब हम बस निकलेंगे। घूम लिया है हमने पूरा, तो घूम लिया है तो अब बस निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब और कहीं जाने से अच्छा तो बेस्ट है क्योंकि ये हमारे घर के पास ही है। तो इसका टिकट कितने रुपए का है? 40 रुपीज का टिकट होता है। अंदर आओ, घूमो फिरो, अच्छे से खुली हवा खाओ। बढ़िया है ये, जैसे हमारा थोड़ा मेहरोली कंजेस्टेड है तो उस हिसाब से यहाँ घूमने के लिए बेस्ट है ये। तो अब हमने यहाँ से एग्जिट ले ली है और ये रहा कुतुब मीनार पीछे, और ये हमारा एग्जिट था मेट्रो की तरह, यहाँ से भी टोकन डाल के एग्जिट करनी होती है। और सामने ना आ गई है रोड, देख रहे हो सामने रोड आ गई है। वैसे तो हमारा घर बहुत पास में है, बट हम ना बच्ची है ना साथ में, तो इसलिए ऑटो कर लेंगे। 10-10 रुपए लेता है ऑटो, घर तक छोड़ देता है। तो देख लेंगे, कुछ खा भी लेंगे, खा लेंगे ना कुछ, खाते हुए चलेंगे फिर घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो हम लोग आ गए हैं कुतुब मीनार घूम के, ज्यादा देर नहीं घूमे, बस थोड़ी 1-1.5 घंटा घूमे, 1 घंटा भी मुश्किल से डेढ़ नहीं करी, 1 ही घंटा घूमे और अब आ गए हैं क्योंकि अंधेरा हो ही गया था काफी और मच्छर बड़े मोटे मोटे हो रहे थे कुतुब मीनार के अंदर। अच्छा वो मैं नन्नू को फुल स्लीव पहना के गई थी तो इतनी दिक्कत नहीं आई उसके साथ तो, पर मैंने जैसे हाफ स्लीव पहना है मुझे तो मोटे मोटे मच्छरों ने काट लिया, दीप को भी काट लिया, तो हमें यही लग रहा था कि नन्नू को ज्यादा मच्छर ना काट लें, इस चक्कर में ना हम जल्दी जल्दी घूम के आ गए। और इस टाइम पे ना जैसे वैसे मजा तो बहुत आ रहा था क्योंकि अंधेरा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और लाइटिंग अच्छी थी, लेकिन जो मेन उनका पार्क वार्क है ना जहाँ पे आप बैठ सकते हो काफी काफी देर, वो पार्क वगैरह ना रात के टाइम पे अलाउ नहीं करते क्योंकि पार्क के अंदर तो उजाला नहीं होता ना, इसलिए रात के टाइम पार्क वगैरह अलाउ नहीं करते। तो हम सिर्फ जहाँ जहाँ उजाला था वहां वहां घूम आए और फिर टाइम से ही आ गए थे। बाहर भी कुछ नहीं खाया हमने, हम घर के लिए ना पैक करा के ले आए कुरकुरे मोमोज, तो अभी चेंज वगैरह करूंगे फिर कुरकुरे मोमोज खाएंगे। उसके बाद कुछ हैवी तो ऐसा खाना वगैरह तो हमने बाहर नहीं खाना था क्योंकि घर में आके खाना बनाना था, क्योंकि पापा जी भी बाहर का खाना नहीं खाते ना, तो घर पे तो बनाना ही था। तो मैं क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं शायद ना मैंने सुबह आज ही करेलों पे नमक लगा के रख दिया है, तो करेले की तैयारी कर रखी है, तो शायद करेले ही बनाऊंगी, काट के नहीं बना रही इस बार ना, मैं भरवा करेले बना रही हूँ, तो आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। शायद काफी लोगों को पसंद भी ना आती हो ना रेसिपीज वगैरह देखनी, पर मुझे शौक है कुकिंग का, तो मैं एक रेसिपी भी अपने ब्लॉग्स में जरूर ऐड कर देती हूँ। तो आज की रेसिपी है भरवा करेले, वो मैं 2 टाइप से बनाने वाली हूँ, एक है प्याज वगैरह डाल के, प्याज लहसुन डाल के, जो मतलब नॉर्मली जैसे बनते हैं भरवा करेले वो मैं हमारे लिए बना लूंगी, और पापा जी प्याज नहीं खाते तो उनके लिए मैं ना कुछ और उसकी फिलिंग करूंगी करेले के अंदर, क्योंकि प्याज तो नहीं डाल सकते, लेकिन करेले में जैसे आपको पता ही है कि मेन जो चीज होती है वो प्याज ही होती है, और प्याज हम पापा जी के करेलों में नहीं डालना है, तो इसलिए आज ना मैं 2 टाइप के करेले बनाने वाली हूँ और दोनों टाइप के करेले की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। खा देती हूँ नन्नू को, नन्नू क्या कर रही है देखो, दीप रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा आजकल तो गर्मी ऐसी है ना, हम रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं, मेरा रूह अफ़ज़ा भी बन गया है, दीप अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, और ये नन्नू, नन्नू को भी हमने ऑरेंज दे दिया, देखो नन्नू अपना ऑरेंज खा रही है, इसका भी गला सूखना नहीं चाहिए, नन्नू ऑरेंज खाने में बिजी है। नन्नू देखो खुश हो रही थी आज, ऑरेंज खा रही है, देखो ऑरेंज खा रही है, इसको ना मैं ऑरेंज और वो अंगूर वगैरह ना ये जो इसकी वो है ना वो पीने वाला उसमें मतलब सब करती रहती है, उसको निप्पल को उसमें डाल के दे देती हूँ, ये सही है, इसमें फ्रूट्स खाने के लिए ना ये सही है, इसमें बीज वगैरह भी इसके गले में जाने में डर नहीं रहता। तो मिलते हैं, खाना बनाती हूँ आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ।